नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। उत्तराखंड में सरकार भले ही रोडवेज सुविधा को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन रोडवेज सुविधा पटरी पर आने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हो रही है। प्रदेश का गठन हुए 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन व्यवस्था आज भी आधी अधूरी नजर आती है। उत्तराखंड में सरकार भले ही रोडवेज सुविधा को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन रोडवेज सुविधा पटरी पर आने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हो रही है। प्रदेश का गठन हुए 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी आधी अधूरी नजर आती हैं। सत्ता की कुर्सी पर विराजमान सरकारी जनता की समस्याओं के निराकरण को लेकर भले ही लाख दावे करती हो, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई होती है इसका अंदाजा सरकारी बसों की हालत देखकर लगाया जा सकता है। बसों की इन हालत की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोडवेज बस स्टेशनों पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। रोडवेज बसों की हालत सड़कों पर लोगों के लिए आफत बन रही है। आए दिन बसों से होने वाली दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन शासन से लेकर प्रशासन तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ये सर अभी क्या है कि बसें भी हैं, सब कुछ सड़कों की वजह से खस्ताहाल हो जाती हैं बसें। कुछ उनका मेंटेनेंस नहीं मिलता, कुछ प्रॉपर आपका जो अधिकारी रहते हैं उनका सहयोग नहीं मिलता, तो इन सभी सारी चीज़ों से मिला के ही पूरा जो है सिस्टम ही एक तरीके से परेशानी में है, क्योंकि जो आपके यात्री हैं, यात्री को समय पर बसें नहीं मिल पाती, या फिर ये कह लीजिए कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि बसों की संख्या हमारी बहुत कम है, फिर उसके बाद क्या नाम है, हमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि सड़कें खराब हैं, पानी से टूट जाती हैं, तो कुल मिला के कहा जाए तो खस्ता हाल है। वहीं अगर बात करें सवारियों की, तो सरकारी बसों में मुसाफिरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। सरकारी बसों के इंतजार में लोगों को घंटे खड़े रहना पड़ता है। उत्तराखंड को बने भले ही 17 वर्ष हो चले हैं, अगर बात करें रुड़की डिपो की, तो यहाँ पर रोडवेज बसों की हालत खस्ता हो चली है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में रहती है। पर इसका असर ना तो अब तक सरकार पर ही पड़ा है और ना ही संबंधित विभाग पर। रुड़की डिपो से संचालित होने वाली बसों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी और कहीं भी कोई बड़ी घटना या दुर्घटना हो सकती है। पर इस मुद्दे पर अभी ना तो रोडवेज के अधिकारी सचेत हुए हैं और ना ही सरकार ने कोई सुध ली है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इन लोगों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मैं अनिल सैनी, टीवी 100 रुड़की। डबल इंजन की सरकार जनता से बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन आज भी प्रदेश भर में कई ऐसी जगह है जहाँ रोडवेज बस स्टैंड तक नहीं बन पाए हैं। वहीं देर रात हो इन सवारियों का साधन भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक सरकार लोगों से ऐसे ही झूठे वादे करती रहेगी। उत्तराखंड में प्रशासन की लापरवाही से स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं, और सरकार एक तरफ बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने की बात कर रही है, लेकिन ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार जहां बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करती है, वहीं प्राइमरी स्कूलों में कहीं बिल्डिंग जर्जर है तो कहीं बच्चों को पूरी सुविधा नहीं दी जाती। मामला मंगलौर के प्राइमरी स्कूल का है, जहां की बिल्डिंग में राजकीय महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि इस बिल्डिंग में पहले से ही 3 विद्यालय संचालित हैं और अब राजकीय महाविद्यालय भी इसी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। बिल्डिंग बन जाएगी तो बच्चों को भी एक अच्छा माहौल मिलेगा, दूसरा एक एकेडमिक माहौल मिलेगा, तीसरे जो है यहाँ पर कई स्कूल संचालित हैं, तो उसमें अब उनकी तो इंटरवल हो गया, हमारे यहाँ तो इंटरवल है नहीं, ऐसे में थोड़ा सा पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता है और उनको भी उनकी जगह नहीं मिल पा रही है पूरी, हमने उनकी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है,
तो उनको भी शायद हमसे परेशानी है और हमारे पास भी सीमित संसाधन है। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम इधर पढ़ा रहे हैं, बच्चे उधर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलता रहता है। और बाकी है कि एक ही अहाते में सब चीजें मौजूद होती है तो ओवरलैपिंग तो होती है कि भाई वो बच्चे, कभी बच्चे हमारे तरफ आ जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको भी हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि एक माहौल हम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने अच्छे संसाधन हमें मिलेंगे ये क्षेत्र उतना ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करेंगे। स्कूल में छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए ना तो ब्लैक बोर्ड है और ना ही उनके बैठने के लिए कुर्सियाँ, साथ ही बच्चों के पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की शौचालय योजना भी यहां फेल होती दिखाई दे रही है। हमारे सेकेंडरी क्लास में ऐसा है कि वहां पर बोर्ड नहीं है और जो इकोनॉमिक्स में होता है, इकोनॉमिक्स का ज्यादातर काम बोर्ड पे ही होता है क्योंकि उसमें ग्राफ वगैरह बनते हैं, तो उसमें वो प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रक्चर में हमारे ये दिक्कत है कि यहाँ पढ़ने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, जैसे कि सर ने भी कहा है कि बाहर सर आते रहते तो डिस्टर्बेंस होते हैं, क्योंकि कैंपस बड़ा ना होने की वजह से क्या होता है कि बच्चों के पास अगर बैठ जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो जा नहीं पाते हैं, इसलिए हमें इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें एक अलग से एरिया चाहिए सब इंस्ट्रूमेंट जहाँ वहाँ पे हो सके, पर ऐसे वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है और म्यूजिक में भी पढ़ते हुए थोड़ी परेशानी होती है, इंस्ट्रूमेंट हम अपने सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। और जैसे हम पढ़ते हैं मैम हमें कुछ सिखा रही है, तो बाहर के जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो कभी प्लेटों से चम्मच बजाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। कहने को तो मंगलौर कस्बे को साल 2014 में राजकीय महाविद्यालय की सौगात मिली थी, लेकिन जगह न होने से शहर के स्थित खंडहर पड़े प्राइमरी स्कूल में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। सरकार ने दो साल पहले महाविद्यालय की बिल्डिंग बनाने के लिए मोहर तो लगा दी थी, इसके बावजूद बिल्डिंग का निर्माण बीच में लटका हुआ है। यूपी निर्माण निगम जो है उसे बना रही थी, वो पैसा आ चुका था, आज कहाँ वो पैसा चला गया ये मेरी सोचने का विषय है, मुझे मालूम नहीं, मैं इसकी जानकारी करूँगा। लेकिन जहाँ अब क्योंकि मैं विधायक नहीं रहा हूँ तो मुझे मेरे जाते अधिकार भी कम हो गए हैं, अब जो है मैं जो विधायक है उनको इस पर प्रयास करना चाहिए कि भाई वो लोग जो है इस पर तवज्जो दें और बच्चों की शिक्षा जो है बढ़े और बच्चे उसे आगे बढ़ने का काम करें। हरीश रावत जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में जब भी कभी सरकार बनती है तो हमेशा विकास कार्यों में बढ़ोतरी होती है, विकास होते हैं, स्कूल हों, सड़कें हों या बिजली घर हों, कोई भी इस तरह के विकास कार्य होते हैं हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कभी कहीं बनती है तो विकास कार्यों को वहीं पूरी तरह रोक देती है। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव से लेकर शहर तक विद्यालयों का निर्माण करवा रही है, लेकिन सरकार के मंत्रियों और प्रशासन की लापरवाही से स्कूलों का निर्माण अधर में लटका हुआ है। किसी शहर या कस्बे का विकास कार्य देखना हो तो वहां की सड़कें और अच्छी शिक्षा का स्तर देखना। हमारी मंगलौर की मैं बात करूँ तो तकरीबन 50,000 से अधिक की यहाँ आबादी है, 50 साल पुरानी यहाँ की नगर पालिका है, लेकिन यहाँ की जनता को अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नसीब नहीं। 3 साल पहले एक डिग्री कॉलेज यहाँ किया गया था, जो एक सरकारी विद्यालय, जो 4 विद्यालय जहाँ चलते हैं उन 4 विद्यालयों में उस विद्यालय महाविद्यालय को शिफ्ट किया गया है। 2 साल पहले सरकार ने एक बिल्डिंग दी थी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरह की एक डिग्री कॉलेज के लिए एक सरकार ने एक बिल्डिंग दी थी, उन बच्चों के भविष्य उज्ज्वल करने के लिए एक बिल्डिंग दी थी, लेकिन उस बिल्डिंग की हालत देखिए, तकरीबन 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस बिल्डिंग का कार्य अधूरा है। सभी अपने बजट का रोना रोते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने एक छोटी सी कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश भी अब नाकामयाब साबित हो रही है। आखिर किस तरह से शिक्षा अपने चरम पर पहुँचेगी, आखिर जो मासूम बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य कैसा होगा। मिशन एमएस टीवी 100 मंगलौर। अवैध खनन का खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खनन माफियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस को भी अपना निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते। रिपोर्ट देखिए। अवैध खनन का काला कारोबार जारी। अवैध खनन पर कब कसेगा शिकंजा? मामले पर क्यों सुस्त है सरकार? प्रशासन पर भारी क्यों है अवैध खनन कारोबारी? इस फोटो को देखकर ये अंदाजा मत लगाइए कि प्रशासन के ये अधिकारी किसी दुर्घटना में घायल हुए हैं, ऐसा नहीं है। सुरक्षा को लेकर परेशान है।
इन्हें अवैध खनन के काले कारोबारियों से कौन बचाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के काशीपुर में चल रहे अवैध खनन को लेकर प्रदेश सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि इसका उदाहरण थाने में खड़ी ये दर्जनों ट्रॉली हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इसी दौरान पुलिस पर अवैध खनन के कारोबारियों ने हमला कर इन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ लोकल कुछ जो खनन सिप में लिप्त लोग थे, उन्होंने पथराव किया है, उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों को चोटें आई हैं, इसमें से एक को गंभीर चोट है। उसके अलावा फायर भी वहाँ पर किया गया। वापसी में हम लोगों ने जो हमारे पास 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी उनका दाखिल किया है थाने में। वाकया काशीपुर से सटे कोसी खनन क्षेत्र के बेगमाबाद के पास मुकुंदपुर का है, जहां देर रात सीओ काशीपुर राजेश भट्ट के नेतृत्व में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अवैध खनन माफियाओं ने केवल हमला ही नहीं किया बल्कि फायरिंग भी कर दी। जानलेवा हमले में पुलिस टीम के 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी का नाम अरविंद चौधरी है, जो कुंडेश्वरी पुलिस चौकी में तैनात है। सीओ राजेश भट्ट के मुताबिक अचानक से की गई छापेमारी में काशीपुर कोतवाली, कुंडेश्वरी पुलिस चौकी, सुल्तानपुर पुलिस चौकी और ITI थाना पुलिस का संयुक्त अभियान था। अभियान के दौरान खनन माफिया अपने ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर फरार हो गए। एक आकस्मिक रेड की थी नदी, ये कोशी नदी के पास, इसमें कुंडेश्वरी चौकी, काशीपुर थाना और ITI और सुल्तानपुर पट्टी का फोर्स था चारों तरफ से। मौके पर हमने गए तो उधर अवैध खनन चल रहा था, जिसमें से लोग अलग अलग भागे, तो 4-5 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हमें भरी हुई खनन से लदी हुई एक जगह पे मिली, उसके अलावा 4 एक जगह पे मिली। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने मौके से आधा दर्जन से अधिक खनन से लदे वाहनों को कब्जे में लिया है। पुलिस ने मामले में 5 नामजद लोगों समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस को इस मामले में कब तक सफलता मिलती है। काशीपुर से TV100 के लिए जसविंदर की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV100।